अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमारी एप्लीकेशन में हैशिंग और इनक्रिप्शन पर काम करेंगे। तो हैशिंग के लिए हम थर्ड पार्टी पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से हमारे लॉगिन क्रीडेंशियल को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पर टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोकन के लिए मोस्ट कॉमन है जेसन वेब टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करते हैं, तो पहले हम उसको चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद में फिर हमारी इस एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है ब्राउजर पर और npm js पे आप जाइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है bcrypt। तो देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। bcrypt क्या है, इसमें आप अपने पासवर्ड को हैश कर सकते हैं। देखिए काफी पॉपुलर पैकेज है और नोड के साथ में काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। नीचे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, कैसे ये काम करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल, आपको bcrypt को पहले शुरू इम्पोर्ट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर इसको हमने रिक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद में आप सॉल्ट को जनरेट कर सकते हैं और जो भी आपका प्लेन पासवर्ड है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे केस में तो रिक्वेस्ट बॉडी में से आएगा, यानी क्लाइंट से आने वाला है। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इनक्रिप्ट करेंगे एक फंक्शन की मदद से। कौन से फंक्शन की मदद से, bcrypt डॉट हैश, जिसमें आपको जो है प्लेन पासवर्ड को पास कराना पड़ता है और उसके बाद में सॉल्ट फंक्शन। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे। इसके साथ में आता है देखिए bcrypt js। तो अगर आप bcrypt यूज करना चाहते हैं तो bcrypt यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है bcrypt js का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सेम है, ज्यादा कुछ फर्क आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा। देख सकते हैं bcrypt js। तो हम भी क्या कर लेंगे, bcrypt js को यूज कर लेंगे। ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, देख सकते हैं आप। तो आपके ऊपर आप दोनों में से कोई भी पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ही क्या करते हैं, हमारे पासवर्ड को यहाँ पर इनक्रिप्ट करते हैं। अब इनक्रिप्शन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से MongoDB कॉम्पस को ओपन कर लेता हूँ और एटलास से कनेक्ट हो जाता हूँ। जो भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है आप उससे कनेक्ट हो जाइए। हमारे डेटाबेस का नाम था ODAP, इसमें हमारे पास है एक यूजर। तो अभी जो यूजर है ना उसका पासवर्ड विजिबल है। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर bcrypt की मदद से हैश करेंगे ना, तो यहाँ पे जो पासवर्ड है ये विजिबल नहीं रहेगा। अब जो भी डेटाबेस एक्सेस कर रहा है ना उसको भी नहीं पता कि इस पासवर्ड में क्या है। अभी फिलहाल विजिबल है, इनके साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है तो यहाँ पर ये पासवर्ड इजीली विजिबल है, लेकिन हैश रहेगा तो फिर उसको डिक्रिप्ट होने में काफी टाइम लगेगा। अब ये डिपेंड करता है सॉल्ट के ऊपर। तो मिनिमम आपको 10 यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी 10 यूज किया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले शुरू आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये पैकेज का कमांड आप यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, npm i bcrypt js। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। मेक श्योर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, छोटा सा पैकेज है और ये काफी फास्ट डाउनलोड हो गया। थोड़ी देर के लिए टर्मिनल क्लोज कर देते हैं और पैकेज जेसन फाइल में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट पे है bcrypt js। अब इसको कहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, तो जैसे ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कंट्रोलर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यूजर क्रिएट होगा ना, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पासवर्ड यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्लेन पासवर्ड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हैश पासवर्ड से रिप्लेस कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको मॉडल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्री सेव, पोस्ट सेव, प्री फंक्शन भी मिलता है, यानी प्री सेव से पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कस्टम मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑथ कंट्रोलर में डायरेक्टली इसका यूज कर लेंगे। तो पहले शुरू आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, कॉन्स्ट सेम नाम रख देंगे हम इसका, bcrypt इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे इसको रिक्वायर कर लेंगे और हमारे पैकेज का नाम है bcrypt js। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ bcrypt और हमारे पैकेज का नाम है bcrypt js। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद में हमको इसको हैश करना है। तो हैश के लिए देखिए यहाँ पे जो फंक्शन था उसका आप यूज कर सकते हैं, और जेन सॉल्ट के नाम से भी एक वेरिएबल आप बना सकते हैं, देख सकते हैं आप वेरिएबल सॉल्ट। तो आप मैनुअली भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैं इसी को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक वेरिएबल बना देंगे। कहाँ पर, वैलिडेशन के बाद में, देखिए यहाँ पर यूजर चेक हो रहा है ना, तो सेव होने से पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे और इसको लिख लेंगे हैशिंग करके, मैं कमेंट बना लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, हैशिंग पासवर्ड। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू सॉल्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर bcrypt डॉट हैश सिंक का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे डायरेक्ट हैश का जो फंक्शन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए bcrypt डॉट हैश, उसके बाद में प्लेन पासवर्ड, और फंक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर bcrypt की मदद से पासवर्ड को हैश करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट कर लेंगे। अवेट के बाद में आपको लिखना है bcrypt, bcrypt में हमको हैश फंक्शन मिलता है,
इसकी मदद से हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर आपको पहले शुरू जो है प्लेन पासवर्ड को पास कराना पड़ता है, और उसके बाद में फिर आप सॉल्ट को यहाँ पर पास कराएंगे, और सॉल्ट को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के रखा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्ट लिख सकते हैं। पहले शुरू हम क्या करेंगे, प्लेन पासवर्ड को ऐड कर देंगे। अब ये जो प्लेन पासवर्ड है ना, तो ये हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से आ रहा है, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्ट को पास करा रहे हैं। सॉल्ट में क्या होता है, देखिए ये जो है ना इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। जितना सॉल्ट का राउंड रहेगा उतना टाइट आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट होगा, और याद रहे डिक्रिप्ट होने में भी उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा अगर आप यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं। हायर वैल्यू ज्यादा टाइम लेंगी, लोअर वैल्यू कम टाइम लेंगी। तो यहाँ पर एक एवरेज है 10 का, मोस्ट कॉमन है, आप चाहें तो इसके साथ में भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पासवर्ड हैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल के अंदर भी सेम फील्ड है पासवर्ड की, इसको हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर यूजर क्रिएट हो रहा है ना, तो प्लेन पासवर्ड के बदले क्या करेंगे, यहाँ पर कोलन लगा देंगे, और जो हैश पासवर्ड है ना उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, कोलन लगाना है, यानी ये पासवर्ड की है और हैश उसके अंदर वैल्यू है। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो हैश वैल्यू है ना वो पासवर्ड के अंदर स्टोर होंगी। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेंगे। पहले शुरू आप क्या करें, वापस से टर्मिनल को ओपन कर लें और हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे, npm रन सर्वर। तो हमारा नोड का सर्वर यहाँ पर रन हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में और एक न्यू यूजर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। सो रजिस्टर के अंदर इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ टेक इन्फो YT2, या फिर इसको कर लेता हूँ सिर्फ यूजर। और इसका ईमेल आईडी भी चेंज कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे user@user.com। पासवर्ड सेम रखता हूँ मैं, फोन नंबर भी सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भी फिलहाल के लिए। और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू मैसेज भी हमारे पास आ चुका है, सक्सेसफुली रजिस्टर। और यहाँ पे अगर आप पासवर्ड नोटिस करेंगे तो देखिए एक्स वैल्यू में यहाँ पर ये शो कर रहा है, और अगर आप पासवर्ड देखेंगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हैश हो चुका है। अब ये रीडेबल नहीं है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यू है इसके अंदर। अगर आप डेटाबेस में भी चेक करेंगे, चलते वापस MongoDB कॉम्पस में, देखिए पहला जो यूजर अपने पास उसका पासवर्ड विजिबल है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सेकेंड यूजर है, सेकेंड यूजर के अंदर जो पासवर्ड है देख सकते हैं आप, ये अनरीडेबल है। इसको अगर हमको रीड करना है तो इसको हमको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और डिक्रिप्ट कैसे होगा, इसके लिए अलग से एक फंक्शन होता है। तो वो कैसे करेंगे, वो हमको लॉगिन के अंदर यूज करना है। तो चलिए लॉगिन में भी चेंजेस कर लेंगे, चलते हैं वापस और इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके नीचे जो हमारा लॉगिन का फंक्शन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यूजर को फाइंड कर रहे थे उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड को भी चेक करना है। तो एक और कमेंट बना लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यूजर पासवर्ड, या फिर कंपेयर भी बोल सकते हैं आप इसको, कंपेयर पासवर्ड। यहाँ पे पाइप का सिंबल ऐड कर देता हूँ। इसमें हम क्या करने वाले, पहले शुरू चेक करेंगे यूजर ने जो पासवर्ड हमको भेजा है वो सेम है या नहीं, वो हमको अभी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और मोस्ट कॉमन इसका नाम होता है मैच, इज मैच इक्वल टू, अगेन हम अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, डिक्रिप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इसमें हमको देखिए बहुत से फंक्शंस मिलते हैं, जैसे डॉट लिखेंगे ना तो काफी सारे फंक्शंस हमको इसमें मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कंपेयर के अंदर हमको क्या करना है, जो प्लेन पासवर्ड यूजर से हम रिसीव कर रहे हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है पासवर्ड, और उसके बाद में जो हमारे पास यूजर के अंदर पासवर्ड है, यानी ईमेल के थ्रू हम यूजर को गेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इस यूजर का जो भी पासवर्ड है उसको हमको यहाँ पर गेट करना है। तो यूजर डॉट पासवर्ड, जो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है ना यूजर का वो, और जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पासवर्ड आ रहा है, ये दोनों यहाँ पर कंपेयर होंगे। इसका वैलिडेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, इफ नॉट इज मैच, अगर इज मैच नहीं है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो। और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, प्रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर इसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये मैसेज मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो भी ईमेल पासवर्ड की फील्ड है ना इसको रिमूव कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो मैसेज है ना उसको भी रिमूव कर लेंगे, यूजर नॉट फाउंड था ना, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर लेंगे। सेव कर लेता हूँ मैं इसको, और आई डोंट थिंक कुछ और चेंज करने की जरूरत है। डेटाबेस में से हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाला जो यूजर है ना उसको डिलीट कर देंगे। तो ये जो यूजर है ना इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर है, user@user.com, और फिर उसका पासवर्ड जो भी था, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं खुद भूल गया क्या लिखा था हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अच्छा सेम है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी,
और लॉगिन के अंदर हम क्या करेंगे, अब इस THT को कट कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये यूजर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी लेटेस्ट हमारे पास क्या है, user@user.com और फिर पासवर्ड, और ये प्रीवियस वाला है देख सकते हैं आप, ये THT.com। पहले शुरू में क्या करता हूँ, पासवर्ड को रिमूव कर लेता हूँ और सेंड पे क्लिक करके एक बार हम देख लेंगे सेंड। तो देखिए एरर मैसेज बराबर से शो कर रहा है। अब वापस से ईमेल और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन सक्सेस, और सक्सेसफुली यूजर का डेटा अपने पास शो हो रहा है, और इसका जो पासवर्ड है वो बराबर से यहाँ पर इनक्रिप्टेड है। आप चाहें तो इसको और हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड करेंगे, जैसे रिस्पॉन्स जा रहा है ना, उससे पहले आप क्या करें, यहाँ पर जो भी पासवर्ड है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ user.password, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे अनडिफाइन कर लेंगे। जैसे हमने अनडिफाइन किया, चलते वापस पोस्टमैन में और मैं वापस से सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड आपको देखने नहीं मिलेंगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर इसमें और भी ज़्यादा हमको फंक्शनैलिटी मिलती है, जैसे कि कहाँ पर है मॉडल के अंदर से हमको करना पड़ेगा, ये रहा, इसके आगे कॉमा लगा के आप क्या कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड है ना इसको आप कर देंगे जीरो, लेकिन फिर ये कंपेयर नहीं होगा बराबर से। तो इस तरीके से आप जो है हैशिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब लॉगिन हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, टोकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोकन आपको नहीं पता तो सिंपली आप पहले शुरू जो है ना टोकन सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जेसन वेब टोकन, मोस्ट कॉमन आपको यही देखने मिलेगा, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं GWT.io कैसे ये काम करता है। ये क्या करेगा, आपके यूजर को इनक्रिप्ट कर देगा, और इसमें HS256 का जो है एक अल्गोरिथम काम करता है, एक सीक्रेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कैसे काम करता है आप यहाँ से इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, कैसे आपको यूज करना है, आप क्या कर सकते हैं, npm.js पे जा सकते हैं, जेसन वेब टोकन, इसके इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी कर लेंगे। आप चाहे तो इसका होम पेज भी देख सकते हैं, ये रहा इसका होम पेज यानी ऑफिशियल रिपोजिटरी है, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे फंक्शंस, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। साइन का इसमें फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने लॉगिन डेटा को। चलिए इसको हम यूज कर लेंगे। पहले शुरू आपको क्या करना है, सर्वर को टर्मिनेट करना है, Ctrl+C TLS कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे npm i json web token, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा पैकेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से सर्वर को रन कर देंगे, या फिर इससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है ना एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे .env फाइल के अंदर, और इसका नाम आपको रखना है GWT_secret, और इसमें कोई भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ माई सीक्रेट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, अगर इसको ये वैल्यू मिलती है तभी जो आपका टोकन है उसके अंदर की वैल्यू को डिक्रिप्ट करेगा। अगर आपको और जानना है तो आप जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, ऑफिशियल रिपोजिटरी देखिए, या फिर आप इसका होम पेज भी देख सकते हैं JWT.io, यहाँ से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं ये कैसे काम करता है, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। मेक श्योर इसको जरूर पढ़िए, हम डायरेक्ट इसका यूज करने वाले हैं। मैं आप क्या करता हूँ, सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि .env की फाइल में अगर आप चेंजेस करेंगे ना तो सर्वर को आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे, npm run server, यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब auth कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ, अच्छा इंपोर्ट नहीं, रिक्वायर का सिंटैक्स यूज करना है, एक कॉन्स्ट, इसका नाम हम रखते हैं JWT इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे इसको रिक्वायर कर देंगे, इसका नाम क्या है, जेसन वेब टोकन। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टोकन को क्रिएट करेंगे। सो जैसे हमारा पासवर्ड मैच हो जाता है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टोकन को क्रिएट कर लेंगे। सो लॉगिन, लॉगिन के अंदर आपको जाना है नीचे, और यहाँ पर देखिए जैसे पासवर्ड चेक हो रहा है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन को क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट, इसका नाम हम टोकन ही रख लेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा टोकन। अब हम क्या करेंगे, JWT का इस्तेमाल करेंगे, सो JWT., फिर इसके अंदर बहुत से फंक्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि हमको इनक्रिप्ट करना है तो हम क्या करेंगे, साइन फंक्शन का यूज करेंगे, और जब डिक्रिप्ट करना रहा तब हम वेरीफाई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन फंक्शन हमने लिखा, ये रहेगा ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस बेस पे जो है इसको इनक्रिप्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे आईडी के बेस पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएंगी, ये आएंगी यूजर में से, यूजर जब हमको मिलेगा उसके साथ में बाई डिफॉल्ट _ID की फील्ड मिल जाती है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे यूजर ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक आईडी के नाम से की बनाया जिसके अंदर वैल्यू है अपने पास user._ID। जैसे कि डेटाबेस में अगर आप चेक करेंगे तो देखिए
ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी हमको मिल जाती है। तो इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में आपको सीक्रेट की यहाँ पर पास कराना पड़ता है। तो हमारे पास वो एनवायरमेंटल वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस डॉट env, फिर उसके बाद में JWT underscore सीक्रेट। तो ये हमारे वेरिएबल का नाम है, आपने जो भी नाम लिखा होगा तो आपको वो यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद में अगेन एक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर फिर आपको एक्सपायरी बताना पड़ता है कि कब तक ये टोकन वैलिड रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपायर्स इन, और इसको मैं कर लेता हूँ 7 day, तो 7D मैंने यहाँ पर लिखा। सेव कर लेते हैं इसको, और एज अ रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, टोकन को भी स्टार्ट में पास करा देंगे। सो यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स के अंदर टोकन को भी पास करा लिया ताकि हम उसको देख पाए। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और ये रहा लॉग इन राउट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं लॉग इन करूंगा ना, तो यूजर से पहले हमको टोकन भी मिलेगा। सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए एक टोकन हमारे पास जनरेट होके आ गया। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट राउट या फिर प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये टोकन और क्लाइंट का टोकन मैच होगा तभी हम क्या करेंगे, उस राउट को एक्सेस कर पाएंगे। मोस्टली इसको एडमिन के लिए या फिर जो भी आपके कॉन्फिडेंशियल पेजेस है जो कि आप नॉर्मल यूजर के लिए विजिबल नहीं रखना चाहते, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे लॉग इन हो जाता है तो फिर सेशन के बदले हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोकन का भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने हैशिंग देखा और फिर टोकन का भी पार्ट यहाँ पर देख लिया, कैसे हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं पासवर्ड का, और एप्लीकेशन में कैसे टोकन का यूज कर सकते हैं।